ब्रेक छोड़ दे। मैं की करा, मैंने ऐसे पेट्रोल ले आओ, मैं मर रहा है। मजदूरों से हम मर जाए इधर, घर के बिल बिल से तंगे, बड़े बड़े यमराज हम पे हुकूमतें कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, रेड़ियां उल्टा रहे हैं, ये रिजक नहीं कमा सकते, चोरी डकैती करें फिर ठीक है। इन लोगों ने तो जहाजों पे जाना, मरियम नवाज को पता क्या कैसे दिहाड़ीदार कमाई करते हैं, नवाज शरीफ को क्यों पता रेड़ी क्या है, शुभाष शरीफ को क्यों पता दिहाड़ी कैसे लगानी है, सोते सड़कों से पलटाए ने इन्हों के बाप का माल जुल्म है। एक तरफ कहते हैं पैसे ले लो, रेडियां लगने दो, फिर आ जाते हैं, वो पैसे ले लेते हैं, महीने का तनख्वाह चली जाती है इनके पास, वो फिर आ जाते हैं। अगर नहीं बेचोगे तो फिर की बनेगा, घर का झट चल नहीं सकता, हमारे इतने बच्चे हैं, वो वेले फिर रहे हैं, काम मिल रहा, असं क्या करिए, या इधर लगा के रखे शोलर लगा के रखे हैं, क्या करिए, हम मजबूरी है साढ़े वास्ते। डेली बेस पे मॉनिटर करेंगे इसको और वायलेशन नहीं होने। आज शाहदरा बाजार में क्रैक डाउन किया जा रहा है, जो कारपोरेशन जो कि रेडी और जो इस तरह की जो माफिया है जो कि लगा के खड़ी रहती हैं, स्टॉल लगाई होती हैं, रेड़ी उठा रहे हैं, ये देख लें आप, और ये गरीबों की रेड़ियाँ लेके जा रहे हैं, जो मजदूर हैं गरीब हैं उनके रेड़ी और जो फल वगैरह बेचते हैं वो लेकर जा रहे हैं यहाँ पर, और पीछे भी ये तीन ट्रक आए हैं और एसी सिटी जो है ना इनके साथ मौजूद है, एसी सिटी और डीसी के ऑर्डर पर जो है ना ये सारा कुछ हो रहा है, लाहौर में साफ़ किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी तरीके के साथ रेडी लगा के ये सामान बेचते हैं या फिर इस तरह के अड्डे लगाए होते हैं उनको ये ख़त्म कर रहे हैं नजायज़ जो तरीके के साथ होते हैं। एसी सिटी भी साथ मौजूद है और उसके साथ साथ जो कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर साहब हैं वो भी मौजूद हैं, तो ये क्रैकडाउन किया जा रहा है, ये मुसलसल हो रहा है शाहदरा में बल्कि पूरे लाहौर में हो रहा है, तो ये दिखाएँगे हम आपको साथ 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 एसी सिटी से भी बात करेंगे आखिर उनके मौक़ क्या हैं इसके बारे में, और ये जो गरीब लोग ये रेड़ी लगा के मजदूरी अपने बच्चों के लिए रिजक कमाते हैं वो कहाँ जाएंगे, ये सवाल ज़रूर करूँगा कि उनके लिए क्या सोचा है मरियम साहिबा ने, क्या उनके लिए कुछ ऐसा सवाल किया है या कुछ सोचा है, तो एसी सिटी से भी जाके बात करेंगे और ये मौक़ लेंगे। ये दिखाएँ ज़रा, ये देखें, ये वही लोग हैं जो कि उठाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, ये पूरे लाहौर में क्रैकडाउन जारी है डीसी साहब के ऑर्डर से, क्या कहना चाहेंगे, मरियम साहिबा ने कुछ ऐसा निज़ाम सोचा है कि ये रेड़ी जो लोग मजदूर हैं इनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम सोचा है कि ये भी साथ साथ अपना रिजल्ट? बिल्कुल ऐसा ही है, ये देखें आपके पास, इनको हमने नहीं छेड़ा है, ये इनके लिए जगह छोड़ी है कि ये अपना कारोबार इधर कर सके, कर सके, जब ये इलीगल, ये इलीगल है, सड़क रोकना इलीगल है। अच्छा, ये अरसा दराज से पिछले 20-25 सालों से ये सिस्टम चल रहा है और आपकी कॉरपोरेशन की जो टीमें हैं वो भी मुसलसल आती हैं फिर भगा देती हैं, ये लोग फिर लगा देते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर एक इंतजाम इंशाल्लाह इसका मैकेनिज्म बनाया, हम डेली बेस पे मॉनिटर करेंगे इसको और वायलेशन नहीं होने देंगे, वायलेशन नहीं होगी, आवाम को तकलीफ नहीं होगी। और ये जो लगाए हुए हैं इनका, यानी कि ये येलो राइट तो नहीं है लेकिन एक सीएम साहबा की तरफ से है, एक इनको दी हुई है छूट के थोड़ा सा ये भी अपना कारोबार कर सके गरीब लोग, ठीक है, तो ये इसके लिए येलो मार्किंग ये लगी हुई है, ठीक हो गया, मार्क लगी हुई यहाँ तक ये कर सके, जी जी ठीक हो गया जी। एसी सिटी साहब हमारे साथ मौजूद है, अब हम आपको दिखाएंगे जो गरीब रेड़ी और मजदूर हजरात हैं वो किस तरह से अपने बच्चों के लिए रिजक कमाते हैं, लेकिन मरियम साहिबा को भी चाहिए कि इनके लिए एक प्रॉपर जगह जो है ना बनाया जाए या एक अड्डे बनाए जाएँ, एक साइड पर एक जगह दी जाए ताकि इनके भी बच्चों का जो चूल्हा है वो चलता रहे, रिजक साथ साथ चलता रहे, क्योंकि अगर ये नहीं बेचेंगे यहाँ पर तो जाहिर सी बात है इनके घर पे भी जो चूल्हे बंद हो जाएंगे, जो बच्चों का रिजक है वो बंद हो जाएगा, तो ये निज़ाम सोचना चाहिए हमारे जो बड़े अफसरान हैं, जो डीसी साहब है या मरियम साहिबा जो सीएम साहिबा है, उनको सोचना चाहिए कि गरीब का भी साथ साथ सोचें और ये नजायज़ तजावजात जो है इनको ख़त्म किया जाए, तो क्योंकि रोड क्लियर करना इनका काम है और अच्छी बात है। बाबा जी रेड़ी लाते हुए थे जी सर, मजदूरी मजदूरी करते हैं जी सर। अच्छा, सुबह कितने बजे आते हो? सुबह 7 बजे आते हैं। 7 बजे आते हो, वापसी कितने बजे होती है? शायद वापसी 5 बजे। की बेचते की हो? आलू गोभी। आलू गोभी अभी सब्जी बेच रहे हैं। अगर नहीं बेचोगे तो फिर की बनेगा? कुछ भी मुश्किल काम है, मुश्किल काम से घर का झाटा चलेगा, घर का झट चल नहीं सकता, हमारे इतने बच्चे हैं वो वेले फिर रहे हैं, काम मिल रहा, असं क्या करिए, या इधर लगा के रखे शोलर लगा के रखे हैं, कल 500 रुपया वड्डा सारी दा सारी दिहाड़ी में, गैर कानूनी तरीके दे ने बैठे हो भी तो गलत है। हाँ, क्या करिए, हुण मजबूरी है साढ़े वास्ते, असी क्या करिए, किधर जाइए, सानू कुछ जगह बैठने की देते ही नहीं है, जे बैठने की जगह दें तो हम उधर बैठ जाएंगे, सानू थोड़ी मजदूरी मिल जाए, ये नहीं है 500 रुपया भी रोज का मिल जाए ना, हम शुक्रिया अदा करेंगे आपका,
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपकी, बहुत मेहरबानी आपने मुझे कह दिया ऐसा काम दस क्या करेंगे। बच्चे कह रहे हैं पैसे दो सानू। शाहदरा में पहले भी काफ़ी मरतबा क्रैक डाउन किया गया है इनके खिलाफ और काफ़ी मरतबा ऑपरेशन किया गया, लेकिन जाहिर सी बात है जब इस तरह के लोग मजदूर लोग हैं ये भी तो काम करेंगे अगर ये भी अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाएंगे। अब आगे चलते हैं, आगे कितना लॉस हुआ है और कितना नुकसान है और ये कितने ट्रक हैं मजीद मैं आपको दिखाऊंगा, मैं इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा जी। ये देखिए जी मजदूर लोग हैं लेकिन इलीगल है और हो रही है गरीब मजदूरों से, हम मर जाएं इधर घर के बिल बिल से तंगे, बड़े बड़े यमराज हम पे हुकूमते कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, रेड़ियाँ उल्टा रहे हैं, क्या करें हम खुद ही बताओ, इससे हम मर जा नहीं बेहतर है, ये रिजक नहीं कमा सकते, चोरी डकेटी करें फिर ठीक है। सुमान साहब आप बताओ, चोरी करें फिर ठीक है। मरियम साहिबा देख रही है, क्या कहना चाहिए? सर जी मैं क्या करूं, ये बड़े बड़े जो उनसे पढ़े लिखे हैं वो तो यमराज ही बन गए हमारे ऊपर, ये बड़े बड़े प्रोफेसर है, ये देखो ना ये इतना सौदा 10-15 हज़ार रुपये का मंडी से लेकर आए, उन्होंने रेडी ले जानी, हम क्या करेंगे इधर आप बताओ। जमीन में किधर बिकता, ये तो हमारे लिए मिट्टी हो गया ये सोना, क्या करें, बच्चों के रिजक कमाने के लिए आए हम। मरियम साहिबा को कुछ ऐसा सोचना चाहिए ताकि इनका रिजक भी ना बंद हो, इनके घर के चूल्हे ना बंद हो, इनके बच्चे भूखे ना रात को सोए। कौन सी रेडी लगानी है, इन लोगों ने तो जहाज़ों पे जाना, मरियम नवाज को पता क्या कैसे दिहाड़ीदार कमाई करते हैं, मरियम नवाज साहब को ये देखना है ना। देखो गल देखो, असी कि मजदूर बन गए, 500 रुपए मंडी किलो पै रहे, उतो सौदे भी एडे महंगे ने कि अल्लाह जानदा बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हो रहा है और एसी सिटी भी है, एसएचओ भी है यहाँ पर साथ में, शाहदरा की पुलिस भी साथ है। ये कार कहाँ पे जाएं हम, हमें बताओ ना हम कहाँ पे जाएं, कहाँ पे जाके मजदूरी करें हम, ये रिजक है ये सड़कों पे खिला रहे हैं, कहाँ पे जाएं हम, कहाँ पे कमा के लेके जाएं अपने घर में, छोटे छोटे बच्चे हैं हम, ये रेडी लगाए ना एक दिन के लिए, ये गाड़ियों वाले रेडी लगाए ना तो फिर हम देखें इनके साथ क्या होता है। ये हालात है जी, आपको क्या पता क्या रेडी वाले की इज्जत है, ये कहाँ पे लेके जाएं हम, सड़कों पे लेके आ जाएं, सियासतदानों को देगा हमें कहाँ, नमरूद फिरौन गरीब बंदा की करे की करे, देखो ना रास्ता दो, गाड़ी चोरियां चिगारियां करे, शाहदरा की पुलिस आ रही है इनको रास्ता दे। हाँ जी गरीब बंदा रेड़ी लगाता है, मजदूरी करता है, मजदूरी भी नहीं करने देते हमें, रेड़ियाँ आगे उठा के ले गए, वैसे करके हम क्या करें, कहाँ जाएं हम, आप बताएं हमें। ये लाते जी, अब जाहिर सी बात है उन्हें अफसरों रेड़ियाँ लवाओ ना, ये बेनजीर लवाओ, इमरान खान लवाओ, असी इन्हों चुकी है, साढ़े बच्चे कोसन के गाला कट की इन्हों का असी करिए, दसो साढ़े ना कि जुलम है, यह सौदे सड़क से पलटाए ने, इन्हों बाप का माल है, जुलम है समझे। ये जी रेडी उठा के लेके जा रहे हैं करीब, रेडी लेके समला समला मेहरबानी ताड़ी मेहरबानी, एक छोड़ दे यार, एक छोड़ दे, मैं की करा, मैंने ऐसे पेट्रोल ले आओ, मैं मर रहा है, ओ मैं मर रहा है, मैं जीना नहीं चाहता, मैं की कर दे पहले साढ़े नाल, ओ साढ़े नाल की, वो रेडी लेकर जा रहे हैं और ये कह रहा है मैं रेडी लेकर जाएगा, मैंने मर जाना है, मेरे बच्चे मरियम खुश रह जाएगी क्योंकि वजीर आला है ना, ये लोग कहते हैं वोट की इज्जत है, ये गलत बयानी है। चले भाई जान माफी दे दें, एक रेडी नहीं लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, छोड़ दो इंचार्ज आ गया, छोड़ दो हाथ ना लाई एक मिनट, इधर हो जाए चाचा, इधर इधर आ मेरे को, चल कट राम ना, इधर चुके बाहर कट, इधर आ मेरे को। ये लाते जी यहाँ पर गरीब जो है, जो रेडी मजदूर तबका है, वो कह रहे हैं कि भाई अगर जाएंगे तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे, और जो यहाँ पर कॉर्पोरेशन है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई जो गैर कानूनी और इनलीगल तरीके के साथ जो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन गरीब लोग भी हैं, ये भी कहाँ जाएंगे, जाहिर सी बात है इनके घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। और ये दिखाएं जरा, ये दिखाएं जरा, हाँ 1000 रुपये महीना भी कमेटी वालों को, फिर दुकानदार किराए लेते हैं, हम क्या करें यार, इतना बिल आ जाता है उसमें तो सौदे में बचत नहीं है, ये देखो ना 15-20 हज़ार का सौदा हमारा नुकसान हो गया, ये देखो ये इधर देखो, ये क्या करें हम, इधर हमें बताओ साहबा को दिखाओ ना कि ये क्या वजीर आला पंजाब है, इनको देख ले, ये इनको सियासी दौड़ना ना देखना चाहिए,
जुलम हो रहा है गरीब को। एक तरफ कहते हैं पैसे ले लो रेडियां लगने दो, फिर आ जाते हैं वो पैसे ले लेते हैं, महीने का तनख्वाह चली जाती है इनके पास, और फिर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं पैसे पैसे देते हैं, पैसे दे रहे हैं हम। एक एक रेडी का कितना दे रहे हैं? 2000-1500 रुपए मिल रहे हैं इनको हर महीने का। 100 रेडी है तकरीबन 1.5-2 लाख। इन्हों प्राप्तियां बना ली है बड़े बड़े अफसरों ने प्राप्तियां। जी शादरा के हालात है जी, अपना DC साहब ये देख लें आप, ये DC साहब ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये गरीब लोग 1500-2000 एक रेड़ी का देते हैं, यहाँ पर मुसलसल 500,000 के करीब रेड़ी लगती है और तकरीबन कोई 3-4 लाख रुपए इनको महीना जाता है, उसके बावजूद आप आएंगे इनको तंग करेंगे तो फिर ये सरासर ज्यादती है और ये गलत है। मरियम साहिबा इस पर नोटिस लेना चाहिए, और आप तो बैठे बैठे ऑर्डर दे देती हैं कि जाएँ मुझे लाहौर साफ़ करके दें, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये जो गरीब है यहाँ पर रेड़ियाँ लगाएंगे और रात को इनके घर का चूल्हा चलेगा? अगर ये रेड़ी में सौदा नहीं बेचेंगे तो इनके बच्चे भूखे सोएंगे, तो अगर ये बच्चे भूखे सोएंगे तो ये फिर क्या करेंगे? चोरी डकैती शुरू कर देंगे, डाके डालना शुरू कर दें, वो भी तो कानूनी जुर्म है। अगर ये हक कलाल के तरीके के साथ ये कुमा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं पिला रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था इन गरीबों के लिए कि एक साइड पर जगह दें इनको और मुसलसल ये कारोबार करें, ना तो इन पर इनका भी नुकसान हो और ना ही रोड ब्लॉक हो। तो इस तरह का कोई निज़ाम बनाएं अपने लिए। आप CM साहिबा हैं, आप एक जिम्मेदार खातून हैं, आपने जिम्मा लिया है पूरे पंजाब का, तो इस चीज़ का आपने जवाब देना है, अल्लाह ताला को भी जवाब देना है आपने। ये पूछा जाएगा आपसे, आपकी पकड़ होगी कि आप एक गरीब का रिजक जो है ना नीचे रोड पर फेंक रहे हैं। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था नाजरीन आज के इस ऑपरेशन में जो शादरा में ये क्रैकडाउन किया गया है। बड़े बड़े अफसरान जो गाड़ियों में नीली बत्तियों वाली गाड़ियों में आते हैं और AC वाली गाड़ी से बाहर उतरते भी नहीं है, लेकिन ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।